टीवी इंडस्ट्री में अब तक नागिन के 6 सीजन जो है वो प्रसारित किए जा चुके हैं और इन 6 सीजन को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है एकता कपूर ने। आपको जानकर ये बेहद ज्यादा हैरानी होगी कि इस नागिन धारावाहिक का एक एक सीजन जो है वो टीआरपी में हमेशा नंबर वन पर रहा। जब भी ये धारावाहिक टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है उस दौरान फैंस की होड़ मच जाती है और लगातार लोग इसे देखना बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। इस धारावाहिक में रोमांचक चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि नागिन का लुक, कई सारे ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जो कि दर्शक देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। पुरानी कहानियों से जुड़ी पुरानी हवेली, यही सब चीज़ें दिखाकर फैंस का दिल बार बार एकता कपूर जीत लेती हैं। पर क्या आपको पता है कि नागिन की शूटिंग कैसे की जाती है? आपको जानकर ये बेहद ज़्यादा हैरानी होगी कि ये जो शूट होता है ये पूरी तरीके से फेक होता है। आपको जानकर ये और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि जो नागिन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पर्दे का कमाल होता है और मेकर जो है इसे एडिट करके पूरी तरीके से बनाते हैं। अगर आप देखते हैं अपने स्क्रीन पर कि पुराने महल, वो असल में कोई भी पुराना महल नहीं होता है, ये सिर्फ ग्रीन पर्दे और साथ ही VFX का कमाल होता है। आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि अब तक नागिन के किसी भी सीज़न में रियल चीज़ों को शूट नहीं किया गया है, ना उसमें रियल नागिन होती है और ना ही रियल उसमें कोई भी चीज़ होती है। दोस्तों आपको जानकर ये बेहद ज़्यादा हैरानी होगी कि अब तक नागिन के सीज़न को, हर एक सीज़न को बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, क्योंकि एडिटिंग और VFX सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी हैं नागिन धारावाहिक के फ़ैन, तो क्या आपको ये सभी चीज़ें पहले से पता थी? कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।